भरा फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं, उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं, टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, बादशाहों का बादशाह। हे बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। दीवाना तेरा तू है, मेरा पहला प्यार मैं हूँ, तुझ पे फिदा तू है मेरा जान। दीवाना तेरा तू है, मेरा पहला प्यार मैं हूँ, तुझ पे फिदा तू है मेरा जान। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, इस जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। ख्वाब है मेरी तेरी, ख्वाहिश मेरी मेरा, हर पल तेरा मैं जीता तेरे घर। तेरी ख्वाब है मेरी तेरी, ख्वाहिश मेरी मेरा, हर पल तेरा मैं जीता तेरे घर। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मेरा पहला प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे रविवार चर्च सभा में। और अब जहाँ कहीं पे भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हमें दोनों हाथों को स्वर उठाएंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे और धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए। बोलिए न भाषा में ली सका पाती सहान तक आवा, धन्यवाद दीजिए। बताइए वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए री सा का बा सहोम त्रकामा अक आ रे सा द्रे ले के ई अंध के ई अजा का मा रे की अला का बा अल आ सा की अला का बा सहोम त्रकामा
रे सात्र लेके ई अकामा जों त्रका बाले ई अकामा धन्यवाद दीजिए ये साल हमारा तैयारी का है अल ईसा जों त्रकामा अकास जों त्रकास ई अकामा रे सात जों त्रकाबा हम तैयार है हम हर समय हम तैयार है प्रभु की सेवा करने के लिए अजीजा का बाद्रोलो ई अकामा अल ईसा का बाजों त्रकामा अल ईसा के ई हम तैयार है सुसमाचार सुनाने के लिए अल ईसा की अकबा जहोम द्रक आबा अल ईसा का बाद हम तैयार है परमेश्वर से मिलने के लिए ओ धन्यवाद अविदा परमेश्वर धन्यवाद ये महीना हमारा बदलाव का है अविदा परमेश्वर में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है यीशु मसीह के नाम में महान आत्माएं हम जीत रहे यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है हम खोल सकते हैं वचन पहला तिमोथियुस दूसरा अध्याय 1-2 वचन कहता है कि ये मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती निवेदन मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत और इसके हर राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र इत्यादि के नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है उनको प्रभावित कर रहा है कि वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाता है वे सही दिशा में ले जाए जा रहे हैं और धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए हैं देशों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए तो हम प्रार्थना करेंगे प्रार्थना कीजिए भारत देश के लिए ईसा का बाजहों त्रकामा अल ईसा कामा अपने आवाज को उठाइए और बोलिए ना भाषा में प्रार्थना कीजिए रे जके ई अल ए जी एल का बाजहों त्रका राज का बाज हे ई अतै केला दे ई अजक अब आ अल ईसा का बाजहों त्रके प्रार्थना कीजिए हर एक राज्य के लिए अल ईसा जहोम द्रक आमा उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र अल ईसा का जहोम द्रक ए अल ईसा का बा ई अक आमा अक आ अरे जका बा जहोम द्रक इत्यादि के नेताओं के लिए परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में अल ईसा का रे अल अब्बा दके ई अजे अल आदि अल कबा जहा अल रसेक आ अल ई अकबा जों त्रक आ ई अजे ई कबा एक आम आ अल ई जे जहे अल रे जकले ई कबा अक आ अल ई जा जों त्रक ए अल ई जक प्रार्थना कीजिए नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में अल आजकिया का मस ओम द्रक आमा अल इका मा अक आमस ओम द्रक आमा वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के काम को आगे बढ़ाते अल इजका बाती सहां द्रक आमा अरे सोय अजका बस ओम द्रक आमा वे सही दिशा में वे लाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में अल इजका बस ओम द्रक ए ई अल अकबार वाला और वो धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे यीशु मसीह के नाम में अल ईसा का बाद सहोम द्रक आमा जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए अल ईसा का रे सके ई अकबर रलदी असाक आमा अल राज सके ई अल आस ए अकई सपात्र लके ई अक आ अत एत अत ए अत ईत अक अबस एक आ अल ईसा का बस अत ईक अमस ओम द्रक आमा अल ई
सोहम ट्रक ऐ अल इसी अकाश सक बात ऐ ई अता अल आ बात सकी अल का बात सोहम ट्रक आम आ रास आत ऐ रास ऐ अल इताक ऐ इका बस ओम ता अल इजा का बस ओम ट्रक आम आ प्रार्थना कीजिए कि भारत देश में परमेश्वर की शांति हर जगह इसे फैल रही यीशु मसीह के नाम में अब इज़ा का बस सहम ट्रक आ रे ज़ा का बस सहम ट्रक आ मा री अतास ए अब इ बस ज़ा इ अक आ बस सहम ट्रक आ मा हालेलुया ओ धन्यवाद है बेटा परमेश्वर धन्यवाद है भारत देश के लिए अब बेटा परमेश्वर धन्यवाद है भारत देश के हर एक राज्य के लिए उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र इत्यादि के लिए अविता परमेश्वर हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार मुक्त रूप से इसे फैलेगा यीशु मसीह के नाम में और धन्यवाद है पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है और उनको प्रभावित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में वे उन कदमों को उठाएंगे जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाते हैं वे सही दिशा में ले जाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में और वो हर एक धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए देशों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर लीडर्स के लिए हर एक का उद्धार हो रहा है और वो जो भी निर्णय को लेंगे वो केवल और केवल वो देश को और सुसमाचार को वो तेजी से आगे बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में और धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है हम खोल सकते हैं वचन पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 15 वचन कहता है हे भाइयों तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगे हुए हैं वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे हैं बिना गलती के पूरा कर रहे हैं जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में है घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं आत्माएं जीत रहे हैं और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च के हर एक मेंबर्स के लिए प्रार्थना कीजिए हर फर्स्ट टाइमर हर मेंबर्स के लिए लीडर्स के लिए हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए कि हर व्यक्ति वो महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में वो अपने जीवन में हर समय वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कीजिए बोलिए ना बादशाह मली जकबा ई अजर रे जदे जहे ई अजक आ अल ई जकमा जोम रके ई राजार रकबा अल आजके ई अकामा जोम रक आमा प्रार्थना कीजिए हमारे भाइयों के लिए अल ई जकबा जोम रक ए उनका हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तु पर लगा हुआ है यीशु मसीह के नाम में अल ईसा का बस जोम रक ए ईसा सहे अराजा के इकास अक अम आ अराजा के वचन जाने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जा रही यीशु मसीह के नाम में अल ईसा का बस जोम रक आ अराजा के अई अलबास एक आ अल ईसा का सात ए अल ईसा का मस ओम त्रकास ए ई अकामा अल ईसा का मस ओम त्रका अल ईस ए अल ईसा का मस ओम त्रकामा हर एक मेंबर वो मान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में वो अपने पैसे के साथ वो पार्टनरशिप कर रहे यीशु मसीह के नाम में अल ईसा का मा ए ई अकामा जैसे वो पार्टनरशिप कर रहे उनके पार्टनरशिप करने के द्वारा पूरे विश्व में सुसमाचार से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में अब इस आत ए अब आस अब आस ए ई अ अब ए तक बस एक आस ए ई अस अब इस अब बस ओम तक अब ई तक अब ए ई अब बस ओम तक आम
होगा। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और उनकी सेवकाई को आनंद के साथ वो पूरी कर रहे यीशु मसीह के नाम में। ई तक पास सत ए ई अक आ ई जका ब अस ओ द आ जक ए अल अस एक आमा। वो बिना गलती के पूरा कर रहे अस ई सका बस अंतर आमा से ई अक आमा। घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अब ई सका बस अंतर आम आ ए अक आ ई तक बस अते ई अक आमास ई अल आ रिसत एक आस अक अप आ रेसत ई अल आस ई अक आस जेट तक आबास ओम तक ई अल आस आ रियल अक आबास ओम तक आमास ए ई अक आ अल ई आस एस अक अप आ। हालेलुया, ओ धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, धन्यवाद दे हमारे चर्च के हर एक भाई के लिए पिता परमेश्वर। हम भाइयों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अब पिता परमेश्वर वचन जानने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो हर समय हर चीज में वो सबसे पहले वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तु पर लगे हुए हैं। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे हैं, बिना गलती के पूरा कर रहे हैं, जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में हैं। घोषणा करते पिता परमेश्वर कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक राबता है। अपने हाथों को उठाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हे, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को लहरा सकते हैं और हमारी जिंदगी खूबसूरत है। खूबसूरत है जिंदगी संग तेरे ऐ मसीह। मकसद है तू मेरा और मंजिल है तू मेरी। सच्चे हो साथ तुम दिया और बाती हम। जग के अंधेरे को कर देंगे रोशन। राबता 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 तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा सजदा तेरा सजदा तेरा ओ यीशुआ। अपने हाथों को उठा के कहिए सजदा तेरा सजदा तेरा सजदा तेरा ओ यीशुआ। वो मार्ग है, वो सत्य है, जीवन है तू, ओ यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। जीवन है तू यीशु। अपने हाथ उठा के राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा राबता राबता
तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ, वो मुझ में रहता है, मुझ में है तू, पाक जीवन जल रोटी तू, मुझ में है तू, आ पाक जीवन जल यीशु, मुझ में है तू, आ पाक जीवन जल रोटी तू, जीवन जल यीशु, राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा, अपने हाथों को लहराइए, राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ, वो महिमा के योग्य है, सजदा तेरा, वो हमारे आराधना के योग्य है, वो हमारे प्रशंसा के योग्य है, वो हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं, हमारा उसके साथ एक नाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में, और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड। आज दिन रविवार, दिनांक 28 मार्च 2021 और आज का हमारा शीर्षक है हृदय से परमेश्वर की सेवा कीजिए। प्रेज लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला शमूएल अध्याय 7 वचन 3 से, जो कहता है, तब शमूएल ने इसराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराए देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। प्रेज लॉर्ड। हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हैं और यह जरूरी है कि आप प्रभु पर अपना केंद्र बनाएं और उसकी सेवा हृदय से करें। बाइबल कहती है, तू यह भी जान ले कि अंतिम दिनों में एक मसीही होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3:1 TLB अनुवाद से। हालेलुया। ध्यान दीजिए, उसने नहीं कहा कि मसीही होना असंभव हो जाएगा, किंतु मुश्किल। तो यह आपको बता रहा है कि प्रभु की सेवा करो परिस्थितियों या सताओं के बावजूद और उनसे स्वतंत्र होकर। प्रेज द लॉर्ड। यह अपनी मसीही पहचान को छुपाने का समय नहीं है। कोई भी वस्तु इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जो आपका ध्यान प्रभु और उसके राज्य से हटा दे। कुछ लोग प्रभु की सेवा करने में तभी जुझारू होते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब उनका व्यवसाय बढ़ रहा होता है और उनके पैसे उछल रहे होते हैं। किंतु सच्ची परीक्षा तब आती है जब परेशानी आती है और वे निरुत्साहित हो जाते हैं और अचानक ही उनकी आग को खो देते हैं। कुछ लोग केवल चुनौतियों के समय में ही प्रभु की सेवा करते हैं, किंतु जैसे ही उनका चमत्कार हो जाता है और वे उस दुविधा से बाहर निकल आते हैं, प्रभु के लिए उनकी कटिबद्धता तुरंत ही खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ गलत है, इसे अपने साथ मत होने दीजिए। हर समय प्रभु के लिए ज्वलंत बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। समय और असमय जुझारू बनिए। मसीह के लिए आपकी कटिबद्धता और प्रेम को किसी और दूसरी वस्तु से स्पर्धा मत करने दीजिए या आपको रोकने मत दीजिए। बाइबल कहती है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो
और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 से। जब हर वस्तु अच्छे से हो रही है अटल बने रहिए, और जब यह परेशानी का समय है तो भी परमेश्वर की सेवा हृदय से कीजिए। हालेलुया। बाइबल कहती है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। नीति वचन अध्याय 24 वचन 10। हालेलुया। कुलुसियों अध्याय 3 वचन 23 हमें बताता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यह समय प्रार्थना का, आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे प्रभु, मैं हमेशा अपनी सेवा में आपके लिए सक्रिय हूँ, सच्चाई में और पूरे हृदय के साथ। मैं आत्मा के कार्यों में आलसी होना मना करता हूँ। मैं जुझारू हूँ और पूरे दिल से आपकी सेवा करता हूँ, आशा में आनंद मनाते हुए और परेशानी के समय धैर्य रखते हुए। मैं अटल और अचल बना रहता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 12 वचन 11 से लेकर 12 AMPC अनुवाद से, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 AMPC अनुवाद से। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 7 वचन 36 से लेकर 50 और यहोशू अध्याय 1 और 2, और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 26 वचन 26 से लेकर 35 और निर्गमन अध्याय 37। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम आशा भारद्वाज है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और इनकी गवाही है कि इनके घुटनों में काफी 6-7 साल से दर्द था। तो इन्होंने पिछले संडे 21 तारीख का ऑनलाइन प्रेयर अटेंड किया, चर्च का मिशन और उद्देश्य। जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया, और उसी समय पूरी रीति से 6-7 साल का दर्द पूरी रीति से ठीक हो गया, दर्द चला गया है, पूरी रीति से चंगी है, अच्छी है, सुरक्षित है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती है, और परमेश्वर के जन पास्टर आइजक सर का धन्यवाद करती है। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लो वे। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई काही। किसी में ऐसा कोई नहीं, मिलके कर महिमा हम सजदार की, हमको है यीशु में।
सकता ना रोक सकता ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला। शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला। कीजिएगा प्रार्थना। मुझे नहीं पता कि आप क्या बदलना चाहते हैं, पर जैसे आपका विश्वास बढ़ गया है, हर वो चीज जो आपको लग रहा था कि बंधन है, हर वो चीज जो आपको लग रहा था बंधन है, हर वो चीज ओ लॉर्ड रे शाति इलाबाधी मांत्रला शाति इलाबाधे लेत्रलांद्रो को दोरो ले जे दे रे ले बो शाही ताला बाबा आंत्रला गजले रले के बो शाति इलाबाधा बोलेगा ने भाषा में रींत्रले शाति इलाबाधी कि यीशु मसीह का सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत में। हमारे खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम है। परमेश्वर के विरोध में कोई बुद्धि नहीं है यीशु मसीह के नाम में। रीता री द्राला बाबा बाहा लींद्रा का बांत्रा लाई तला को सती लबा दे बो के सीला मां तले ब्रोजा तला बहा बो थोले शाती लबा बहा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए।
उस सामर्थ के लिए जो आपने चर्च को दी है, ना केवल आपने सामर्थ दी है, आपने हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस लोमे के द्वारा हमें उस सामर्थ को समझाया है, हमें बुद्धि दी, हमें साहस दिया, हमें अनुग्रह दिया, हमें निर्भीकता दी कि ना केवल हम उस सामर्थ को पहचाने, उस सामर्थ में चले। आपका वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन सदा के लिए बना रहेगा। हाँ प्रभु, जब लोग डर के भाग गए, हम यहां खड़े हैं आपकी सामर्थ में, आपके नाम में। हमें पता है कोई हमें रोक नहीं सकता क्योंकि आपकी सामर्थ हमारे साथ है। धन्यवाद देते हम में हमारे द्वारा महान काम करने के लिए, हमारे द्वारा अपनी बहुमुखी बुद्धि दिखाने के लिए, हमें चुनने के लिए कि हम आपके लिए खड़े हों। आप ही हैं प्रभु जो अपनी इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डालते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हम नहीं खड़े हो पाते, और खड़े भी हो जाते तो बच नहीं पाते, क्योंकि हम आपके नाम में खड़े हैं, आपकी इच्छा से खड़े हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इस तरह से मिल पा रहे हैं, हम इन चीजों को हल्के में नहीं लेते हैं प्रभु। धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए। आपकी सभाएं हमेशा होती रहेंगी क्योंकि आपकी सभाएं आपके लिए जरूरी हैं। हम प्रभु खड़े रहेंगे क्योंकि आपने हमें खड़ा होने की ताकत दी। इस समय के लिए धन्यवाद। हम कहते हैं कि हमारे पास सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और समझने वाला हृदय। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, बैठ सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को स्वागत करते, बोलिए स्वागत है आपका चर्च में। जैसे कि आप मां सब जाना था, ये हमारा सीरीज चला थी हमारे चर्च के मिशन और उपदेश पर। इसलिए दिशा बहुत जरूरी है, उद्देश्य बहुत जरूरी है, एक जीवन शक्तिशाली हो सकते पर बिना दिशा के कुछ नहीं हो पाए। मैं आप मान ले उदाहरण देता हूं कि बिजली पानी से बंद थे, बोला नहीं पता, कदे क्षण पता है कि कैसे बंद थे। तो ये तरह से बंद थे कि पानी लग जगह इकट्ठा करे जाते बहुत ऊंचाई पर, जिला हम कितन बांध, पता नहीं कतिक जन मन बांध देखे हो, पता नहीं कई जन मन बांध ला देखे कि किसे कार्य करते। तब बांध पानी ला इकट्ठा करते ऊंचाई में, और नीचे में बड़े बड़े टर्बाइन लगे रही थे, बड़े बड़े ब्लेड होते, कभी कभी ये ब्लेड बहुत बड़े होते, और ऊपर से पानी हा ब्लेड पर गिरते और ब्लेड हा घूमना शुरू कर, उनमें डायनोमा मशीन रही थी, दिन हा घूमेला शुरू करते, फिर बिजली बनेला शुरू हो जाते। तो वो पानी हा शक्तिशाली है पर वो पानी सही दिशा न दे जाए तो पानी हा कुछ नहीं कर सके। उसने हमारी जिंदगी है, उसने चर्च है कि हम शक्तिशाली हवन, विशेष रूप से जब आत्मा हमारा अंदर है पर वो शक्ति ला अपना दिशा नहीं दे, तब तक कुछ नहीं कर पाऊ। आप मतलब इसे लगे कि कभी शक्ति रही से, जितना जरूरी शक्तिशाली होना है उतना ही जरूरी है वो शक्ति ला दिशा देना। बहुत झन मन ये बात ला नहीं जाना, बहुत झन मन सामर्थ तो होते पर वो सामर्थ ला दिशा नहीं दे पाए। ये चीज ला परमेश्वर हा मुझे सहायता करी, जो भी परमेश्वर मोला दिस मैं ओला दिशा दे पाए। मोला माइक टाइसन की कहानी याद है कि कैसे माइक टाइसन हा गली के गुंडा होत रहीस। माइक टाइसन ने तो जाना तो हा वो बॉक्सर गली के गुंडा होत रहीस, और कहानी ये तरीके से है गली में इसने ही गुंडागर्दी करत रहीस। उस समय बॉक्सिंग फैब्रिकेशन के जो बॉस रहीस उस समय वो वहां से गुजरत रहीस से, और सिग्नल पर ओखर गाड़ी एक दिन आके रुक गई, और माइक टाइसन लड़े चढ़त रहीस का। माइक टाइसन ने कोई घूसा मारत रहीस, वो आदमी अपन आप ला बचाई और घूसा सीधा दीवार पर जाके लग गई, दरार आ गए। तब बॉक्सिंग फैब्रिकेशन देखते बैठे हुए बॉस हा, वाओ ये आदमी ला मेरे पास लेके आओ, मैं के साथ कुछ कर सकता हूँ।
और आखिर में वो का बने गिस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर ओका सामर्थ्य नई दिशा मिल गिस। बहुत से मसीह लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर जो हमने दे है वो हमने वर्ल्ड चैंपियन बनाए के लिए दे है, पर वो सामर्थ्य ला दिशा नहीं दे पाते। वो सामर्थ्य के साथ रोज रोटी मकान कपड़े में उलझे हुए बस बिल पे करत है। पास्टर आज बिजली के बिल नहीं जाते, किराया नहीं जाते, पास्टर आज बच्चों के फीस नहीं जाते। काबर काबर की जो सामर्थ्य परमेश्वर हदे है वो सामर्थ्य सही दिशा नहीं दे पाते हैं। वो सामर्थ्य आपन के अंदर में घूमते है, वो सामर्थ्य आपन दिशा नहीं दे पाता। जेन दिन आप मन दिशा देला आ सही आप मन पता लग सही वो सामर्थ आपके लिए का कर सकत है। दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं मैं नहीं पा सकूं। अगर मैं नहीं चाहता हूँ वो भलाई ला तो मैं उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। एक बार अगर मैं अपन दिमाग में ओला ले आता हूँ वो चीज सड़ पे लगी मेरे पास आए बार That's how powerful I have become. बस एक बार अगर मैं अपन मन बना लिया कि मुझे वो चीज चाहिए तो दुनिया की कोई भी ताकत वो चीज पायला मुझे नहीं रोक सके। वो मोर पास आए ला तड़प ही मुझे मांगे की जरूरत नहीं पड़ी। वो चीज ला पता लग जाए कि मैं वो चाहता हूँ। ऐसी नई कहानी है लोग मन की कि बहुत मन के अंदर वो काम करत सामर्थ्य ला नहीं पहचान पावत और न ही ओला दिशा दे पा। उमन से अपन आपने मनुष्य की तरह देखा थे, मनुष्य की तरह मैं कोई भी यहाँ बैठे उठा सकता हूँ बैठा सकता हूँ। जब लोग मन मोरसन की थी मोर बिगाड़ने वाले मन तो मैं की था मोर से मत लड़ो भाई मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं लड़ने की कोई चीज नहीं हूँ, मैं दोस्ती करे की चीज हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सुना था ना लड़का मन मोर से जीत नहीं सको एकर स्थिति नहीं कि मैं तुहार मन से शक्तिशाली हूँ। मोला और सामर्थ्य दिशा दिलाते मूल्य हर चीज प्राप्त करना संभव है। I can achieve anything. जो आप मन के लिए संभव नहीं है मैं चुटकी में संभव कर सका था। जिन चीज के लिए आप मन मुझसे सालों भर प्रार्थना करे ला था मैं वो चीज एक मिनट में सुधार सका था। ये महत्वपूर्ण है कि आप दिशा देना सीखो। आप मन से करेला बोलता तो उस चीज के पीछे बहुत बड़े उद्देश्य है, भले छोटे लगी पर वो शक्तिशाली है। भले छोटे लगी पर वो शक्तिशाली है। एक स्थिति हमन बुधवार को सर्विस सभा शुरू करी है, उसका नाम है आत्मिक दिमाग काउंट। आत्मिक दिमाग काउंट वो जो हम आप मतलब करे बार कई थान कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य अपन जिंदगी में दिशा देना है। मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, कोई भी चीज मैं ट्रांसफर करा सकता हूँ। यदि मोर कोई भी केस कोर्ट में चलत हवे मैं उन्हें जस्ट ट्रांसफर करा सकत हूँ। मोर मर्जी जब तक मोर मूड सही है, जब तक मैं मजाक में चलत हूँ तब तक सब सही है। जी दिन मोर मूड घूम गए मैं ट्रांसफर करा सकत हूँ। मुला कोई ला जाने की जरूरत नहीं, मैं जो ला जानता हूँ वो मोले काफी है। प्रेस द लॉर्ड। आई एम टू पाफ। तभी आमा ला लगत हुई काबर की मुला सामर्थ्य पता है। यदि मोर बंदूक गोली भरे है तो मैं सामने वाले से डंडा से काबर लड़ू। आमन डरिया मोर बंदूक लोडेड है। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया। मोर आत्मा भरे हुए है। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। कि मोर लिए कुछ संभव नहीं है, कि मोर लिए कुछ संभव नहीं है। अगर वो चीज बदलत हुआ नहीं दिखा है एक स्थिति नहीं कि वो चीज हमन ले बड़े है। वो चीज एक स्थिति नहीं बदला आप मन पाप करे है। वो चीज आज एक स्थिति नहीं बदला है काबर कि आप मन वो वस्तु के ऊपर में परमेश्वर के सामर्थ्य बैठाए। अगर वो वस्तु के ऊपर परमेश्वर के सामर्थ ला के बैठा है तो दुनिया की कोई भी ताकत बोला हो से नहीं रोक सके। पर सवाल है मतलब पता है कि परमेश्वर के सामर्थ लो वो वस्तु पर कैसे लाना है, लेकिन बहुत तो मतलब नहीं पता।
अपन खोल सका था लुका। इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ द बाइबल। लुका का अध्याय एक में बहुत सारे स्क्रिप्चर में पढ़ने के लिए एक किताब में यूहन्ना के बारे में बताया गया। यूहन्ना जेकर पिता जकरिया और माता एलिसिबा जकरिया प्रिंस रही। वहां एक स्वर्ग दूत हा आके जकरिया से कही थी तो तब जकरिया हा वहां आईस ओकर समय रहीस और ओ हा सेवा देस और स्वर्ग दूत आके ओला बोलिस तोर बच्चा हो ही और जकरिया की थे ओ बॉय। अगर आप मन ये उदाहरण समझ ले तो ये जो कहानी मैं आप ला सुना था वो आपके जीवन ऐसे हो जाए कि आप मन की पास्टर बताओ मैं क्या करूं मैं कर सकता हूं मैं करके आता हूं। ये जो मैं आप मन सिखाता हूं आप मन ला आपसे डर लगी। अगर कोई आपसे लड़े लाही आप मन सोचा ना लड़े नहीं तो ये मर जाए। तो जकर या की कहानी ला चला पढ़ा था नागे तो बैकग्राउंड समझ में आई कि एक स्वर्गदूत वही स्वर्गदूत जो मरियम के पास भी गई और वही स्वर्गदूत काकर पास आई जकरिया के पास पढ़ लिया कति चल मोर बात समझ में आते चला आप मन लग कहानी दिखा देता वरना आप मन सोचा ये का चला थी का हो थे जो पहली बार आए हो। चला हम देख लेता लुका एक के 19 वचन में लुका एक के 19 वचन स्वर्गदूत हाँ उत्तर देते मैं जिब्राइल हाँ जब मरियम से बात होगी तो यही स्वर्गदूत हाँ दिखाई दी। ये कहानी रुचिकर है ना बहुत ही रुचिकर कहीस तो बच्चा हो ही ये हो ही वो हो ही। चलिए अब 18 वचन में फिर जाकर या भैया बोलते देखिए 18 वचन और जब तो यह पूछते मैं कैसे जानूं मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मोर पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत कही सब बच्चा हुई जकरिया का पूछी सवाल पूछी 19वां तब स्वर्गदूत हाँ ओला उत्तर देते मैं जिब्राइल लौं जो परमेश्वर के सामने खड़े रही था तो सुसमाचार सुनाए ला भेजे गए हूँ। अगला वचन देखा देख जिन दिन तक ये बात पूरी नहीं हो तब तक ते मौन रही नहीं बोल सकस ते गूंगा रही भी। मोर मतलब है कि वह गुंडा लभी अच्छा से पेश कर दे है वो कहा थे कि वो दिन तक ते गूंगा रही भी कारी से सजा रही से वो दिन तक ते गूंगा रही भी काबर की ते मोर बात अपन समय माँ जब पूरा हो ही पर ते हाँ मोर बात लन नहीं माने ओखर विश्वास नहीं करे। ये कहानी याद रही अब चला था मरियम के पास चले मरियम 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 चलो 26 वचन पढ़थन ताकि पता लगे कि यही वाले स्वर्गदूत देरी से कि और कोई स्वर्गदूत। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत अही काकर से बात करके आते जकरिया से अब यही कहां जाते मरियम के पास गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजे रही। एमिर में हाँ सोचा था कि आप मनला क्या बताना चाहता हूं मैं हाँ अपन आपसे कहा था कि भाई ठंडा ठंडा हो जा एक कुमारी के पास भेजे रही जेखर मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के घराने के साथ हुई ओखा नाम का हुई मरियम। स्वर्गदूत ओकर पास आके कही थे आनंद और जय तोर होवे जेकर ऊपर परमेश्वर की दया हुई परमेश्वर तोर साथ है वह घबरा गए और सोचे लगी ये कैसे अभिवादन हुई। इंटरेस्टिंग स्टोरी अब मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं केवल इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते रहते बाद में आता हूँ वापिस से ओके। स्वर्गदूत आके फिर से बोली डर मत परमेश्वर के अनुग्रह तोर ऊपर होवे देख तह गर्भवती होबे और एक पुत्र ला तेह जन्म देबे ओकर नाम यीशु रखबे ओह परम प्रधान के पुत्र कहलाही और परमेश्वर हा दाऊद के सिंहासन ओला देही ओह याकूब के घराने में सदा हमेशा बर राज्य करही अंत कभी नहीं होवे
मरियम हा स्वर्गदूत से कही थे, ये कैसे होही, मैं तो वो आदमी ला जानत भी नहीं हूँ। जकरिया भी यही सवाल करते। बहुत ही रोमांटिक कहानी हवे ना। स्वर्गदूत हा काले कैस संदेश, जकरिया भी सवाल करिस और मरियम भी सवाल करिस। जकरिया भाई गूंगा हो गे। आगे स्वर्गदूत ओला उत्तर देते, पवित्र आत्मा तरु पर उतर ही और देख तर कुटुम्बनी इलिसीबा के 6 महीना चलत हवे, जिन्हा बूढ़ी होगी और ओकर भी पुत्र हो ही, ओ बांझ कहलात रही, ओकर 6 महीना चलत हवे। काबर की जो वचन परमेश्वर की ओर से होते वो प्रभाव रहित नहीं हुआ। अब मैं यहाँ बताऊं कि मरियम बोली, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, ये तू गुना कर दिस लड़की ला इसने छोड़ के, मजेदार हवे ना। ए हा जकरिया भी सवाल करीस, ओला गूंगा कर देगीस, ये लड़की हा सवाल करे ते हा कुछ नहीं करे। पर ये सरल नहीं है, ये में बहुत बड़े अंतर हवे। आप मन ला पता चल ही कि छोटे से चीज हा वही सामर्थ ला सकते, छोटी सी चीज से उसी सामर्थ को अपने साथ ला सकते, छोटा सा अंतर है सर, बहुत छोटा सा। प्यार ही देख रही हूँ, हेलो। मोर जिंदगी हा काबर बदलीस मैं हा नहीं जानो। आप मन कौन डहर हो, कौन डहर ला पसंद करता हो, नकारात्मक डहर या सकारात्मक शब्द डहर? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वापस हमन हा चलथन 18वां वचन मा। जगर या हा स्वर्गदूत ला पूछिस, मैं हा कैसे जानू ये कि हा कैसे हो ही, एकर मतलब का रहिस, मैं हा तोर बात ला काबर मानू, ये मैं हा कैसे जानू, मैं तोर बात ला काबर मानू, मोला तोर बात मा भरोसा नहीं हुआ थे। अंडरलाइनिंग थी, बहुत छोटी सी चीज हवे। नहीं पास्टर, आप मन के वहम हवे और मोला मालूम हवे कि मैं का करत हूँ। फिर सवाल करते, मैं हा कैसे जान हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मोर पत्नी भी बूढ़ी हो गई, एक मतलब ये हवे कि मोला तोर बात पर विश्वास नहीं होवत हवे। तो जिब्राइल भी थे, जे दिन तक ये बात पूरा नहीं हुआ हो जाही, 3 दिन तक ते हा गूंगा रहिबे, काबर की ते हा मोर बात पर विश्वास नहीं करे। अब मन हा कि परमेश्वर के वचन हा दो धारी तलवार ला अब्बड़ तेज हवे, जे हा गांठ गांठ और गुदा गुदा ला छेद के ओ हा मन ला जांचथे। जकर या हा बोलिस कि मैं कैसे जानू, ओकर मन में का रहिस, अविश्वास, अविश्वास। अविश्वास यही चीज ला हम मरियम में देखबो, कौन मेर जाबो हमन, हाँ 27 कुमारी के पास, आगे 29 वह ओखर वचन ला सुन के घबरा गिस, अति सुंदर ए हर आई आत्मिक दिमाग, वो सोचे लगी कि ये मोर साथ का होने वाले है, ओखर दिमाग चले लगी कि आर अतका बड़े नाम लेके काबर बुलावत हवे, वो आत्मिक दिमाग रहिस लेकर नहीं रहिस, ओखर दिमाग चले लगी कि ये कौन से प्रकार के अभिवादन हवे यार, ए हा कुछ लंबा होही, कुछ बड़े होने वाले है यार, काबर की अभिवादन बड़े रहिस, काबर की ते हाँ सब ले धन्य हवस, प्रेज द लॉर्ड। ये औरत जो कहिया की चीज से नहीं रहिस, वो औरत के चरित्र दिखे पर शुरू हो गए, वो हार रहिस आत्मिक दिमाग के, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे ध्यान से देखो, मैं हा कहता हूँ अगर ये बाइबल आप मन हा अच्छा से पढ़ू अबर सुगर हवे ये हा, आप मन ला कुछ औ पढ़े के मन नहीं करही, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत हा ओला कहिस, हे मरियम, स्वर्गदूत ला समझ में आत रहिस कि मरियम के भीतर
स्वर्ग दूत लठी समझ आत रहीस के चकरिया के भीतर विश्वास नहीं रहीस त ए मेर भी देखबो और स्वर्ग दूत ल समझ आगे कि भयभीत हवय का हेलो हवा का मोशन आप मन हा परमेश्वर ल धोखा नहीं दे सको। मैं हा नी पास्टर मोला पूरा विश्वास हवय फिर भी मोर बीमारी हा ठीक नहीं होवत हवय। मैं हा आगू कुछ नहीं बोला बाकी ला आप मन समझ जावा। हे मरियम भयभीत जन हो परमेश्वर के अनुग्रह हा तोर ऊपर होय हवय अब आगू ते गर्भवती होबे और ते लइका जन्म देबे ओखर नाम ते हा यीशु रख दे आगू और ओ हा महान होही ब्ला ब्ला। और मरियम हा स्वर्गदूत ला बोलीस यह कैसे होही का कहीस ओ हा ऐसे नहीं कहीस ये नहीं होही और जकरिया हा का कहीस यह कैसे हो सकत है अंतर समझ में आवत है बहुत मायने हवा एमिर। मरियम हा कही थे कैसे होही ओहा मान लीस कि ए हा होही ये पूछत रहीस कैसे जकरिया बाबूजी समझ में आवत है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। हेलो आत्मन हवा का आगो दिखावा था जवाब घलो दिस वो जवाब ला आप मन हा समझ ले हूं हे प्रभु आप मन हा अपन कमरा मा कूदे बर शुरू कर देहा मोर अब्बर चुगर यीशु मसीह हा हवे। नेक्स्ट स्वर्गदूत हा ओला उत्तर दिस पड़ोसी ला बोला स्वर्गदूत हा मरियम ला जवाब दिस ये कैसे होही बहुत ध्यान से कैसे के जवाब अब्बर सुकर हवा ये हर स्वर्गदूत हा स्वर्गदूत परमेश्वर की बड़ाई हो स्वर्गदूत हा ओला उत्तर देस पवित्र आत्मा तो रूप पर उतर ही प्रेज द लॉर्ड हमार हर काम कैसे कौन हरे पवित्र आत्मा प्रेज द लॉर्ड कि न तो बल से न तो सामर्थ से काकर द्वारा वही पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया। Do you understand? हाया हमार कैसे कौन हवाए पवित्र आत्मा कैसे कौन हवाए पवित्र आत्मा जे दिन आप मन ये समझ में आ जाही पवित्र आत्मा रहे के मतलब का हवाए तो कहू का ये लावा बदल के देवात हूँ प्रेज द लॉर्ड। आप मन समझ में आवत है ये होते कैसे समझ में आवत है ना बहुत से सवाल होते ना ये होते कैसे मैं हाँ आप मन के साल के जवाब देवत हूँ ये होते कैसे काकर द्वारा ये होते कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा का आप मन ला समझ में आवा थे आप मन पढ़े लिखे नहीं हवा अनपढ़ हवा आप मन के दोनों टांग है बेकार हवे अगर आप मन हा समझ जाहू तो घर में बैठे बैठे टांग बना सकत हो प्रेज द लॉर्ड ए हर बहुत शक्तिशाली हवे एकरे बर आप मन लगे था मोर हाथ ला काट देवा मैं दोबारा बना लू मोला मोर कैसे पता हवे जब मैं हाँ आप मन ना वो चर्च में उत्तरजन होना चाहिए सेल में उत्तरजन होना चाहिए और आप मन के दिमाग में चलत हवा कही था पास्टर कैसे पवित्र आत्मा वो कैसे कौन हरे पवित्र आत्मा कैसे कौन हरे पवित्र आत्मा जब आप मन के जिंदगी में समझ होती तब जिंदगी से डर हा भाग जाती कुछ भी आप मन लगते कोई कही थे कैसे आप मन के अंदर का हवे पवित्र आत्मा पास्टर हा टारगेट बाद में देते आप मन ला पता करना का है पवित्र आत्मा पास्टर हा की थे सेल मा 100 जन होना चाहिए आप मन की था पवित्र आत्मा आप मन कही था कैसे पास्टर अभी तो 10 हवा पास्टर ये 10 जन 100 जन मन हा कैसे आही कौन हरे पवित्र आत्मा
मोर पति कैसे बदलही, मोर धंधा कैसे बढ़ी, पवित्र आत्मा मोर बच्चा जेल से कैसे बाहर आही, पवित्र आत्मा के द्वारा। एकरे बर हमन की थान पवित्र आत्मा हो, ये परमेश्वर के उत्तर का हरे, परमेश्वर के उत्तर। जेन दिन ये सच्चाई हा आप मन के अंदर रहे लग जाही, वो आप मन हा चलत फिरत छोटे बम हवा जिला छेड़ा छन, काबर फट जाही ता आप मन भी खलो फट जाहा। सुरक्षा के साथ उपयोग करो, काबर की ओका छोटे से मात्रा भी खतरनाक हवा। वो रेडियम के गुण नहीं हवा का, ओकर काय करत हो, छोटे से गढ़ रिएक्टर में रख था, ओकर सैकड़ों लेयर के बीच में ओकर छोटे छोटे मात्रा से काम चलावा था। जब मसीह मन हा कही थे मोर जिंदगी में कुछ नहीं हुआ थे, तब मैं हा कही था और पूरा लाही लगा दही, तब पता नहीं कहाँ पहुंच जाही। जब मैं हम वचन ला पढ़ता हूँ, मैं 5 मिनट ले ज्यादा नहीं पढ़ा कि 6 मिनट के रेप्चर मोर खुदा होते। हालेलुया, इस टू पावरफुल। आप मन ला पता हो है कि पवित्र आत्मा कौन है, यह दुनिया ला बनाए हवा। देखते हा या 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 या। और परमेश्वर ला कुछ चीज की जरूरत घलोक नहीं है। परमेश्वर ओ हरे जे कुछ नहीं से कुछ भी बना सकते। ओ लॉर्ड, स्वर्ग दूत ओला उत्तर देते, पवित्र आत्मा तोर ऊपर उतर ही, ते गर्भवती होबे, ते हा पुत्र ला जन्म देबे, वहा परम प्रधान के पुत्र कहलाही। हालेलुया, वहा का बतात रही, सो का शुक्राणु की जरूरत नहीं हवे। परमेश्वर के वचन शुक्राणु हवे, ये हा आसान बात नहीं हवे। परमेश्वर ला मनुष्य मन के शुक्राणु की जरूरत नहीं हवे, ओकर पुत्र ला पैदा करे बर, ये ही परमेश्वर हवे। हालेलुया, मनुष्य मन के दिमाग ले बढ़ के हवे, ये परमेश्वर है मनुष्य के दिमाग से बढ़कर। परमेश्वर ला कुछ नहीं चाहिए, बस आप मन के हाँ चाहिए। अगर आप मन हाँ कर सकता तो परमेश्वर आप मन के द्वारा सब कुछ कर सकते। That's how powerful God is। हालांकि अगर परमेश्वर मोला कहीं आईजे तुला 10 करोड़ रुपए देवता, तब मैं यहाँ कहूँ मुला फर्क नहीं पड़े, मुला पता हवा कि कौन हा कहा कहे हवा। ये पागल नहीं हरे जो कहत हवा, एकर करण अरबो हवा। मोर काम करना हवा, नई आइस्ता मोर थोड़े जाही, इधर तो ओखरे जाही। जकर यह का पूछ ली सवाल, मरियम हाँ के दिस, जकर यार तो बच्चा घलोक होती, पैदा काकर से होती, ओकर बीवी से, ता भाई जी गुंगा होगी, और ये बिचारी ला बिना शुक्रानु के होती फिर भी होगी। प्रेज द लॉर्ड, वो भाई जिंदा हो के बीवी के साथ रह के नहीं मानत रही, और ये कुमारी हा मान गिस कि हो जाए। सोच के देखो, एक स्थिति में आप मन ला कही था फर्क नहीं पड़े, आप मन के जिंदगी उतना परेशानी में हवा, हाँ करे बर सीख जाओ, आप मन के जिंदगी हाँ बदले ला शुरू हो जाए। हालेलुया, 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 ग्लोरी, ग्लोरी, आप मन हा मोर घर में बीमार आदमी ला नहीं छोड़ सको, मोर घर में ओला बीमार हवा तो मैं हा समझ ले हूँ भांग खाए हवा, और अगर मैं हा भांग खाए के सोए भी हा तबो लो हा ठीक हो जाए, काबर की किरण निकल ही। बाइबल में पढ़े हुआ मरे हुए आदमी की हड्डी ला मरे हुए आदमी में जिंदा होते, तब मैं हाँ भांग खा के भी अगर सोआ था बाजू में सुतार दू फिर भी ओ हा जिंदा हो जाही। It's not possible। मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं और आप मेरे बाजू में रहे हो, आप बीमार, पॉसिबल नहीं। अच्छा क्या है फिर मेरे अंदर? जब आदमी मन हाँ कही थे कि 6 साल परेशानी हवा, तो मैं की था कैसे झेल पाता एला तुमन, ये चमत्कार घलोक सिखा देवा मोला। मुझे नहीं पता कैसे रहती, मुला दर्द होते, गुस्सा खलोक आती, अज्ञात पे आवत हाओ। अगर आप मन ला पता होतीस
जो मोला पता हवाए तो आप मन ओला तुरंत बदल देतो। सेकंडली अगर आप मन ला कैसे समझ में आती और परमेश्वर पवित्र बोला पवित्र आत्मा आप मन ला पता हवे चर्च शक्तिशाली काबर हवे काबर की चर्च शुरू हो रही पवित्र आत्मा के आय के बाद ये चर्च की ताकत है ये चर्च की ताकत है। यही कारण है कि यीशु मसीहा अपन चेला मन लेके ही इसकी हिले की गलती झन करहू जे में रहो वही में रहू जब तक पवित्र आत्मा तुहार ऊपर ना आ जाए। यीशु मसीह ला पता रही कि पवित्र आत्मा के बिन कुछ नहीं हो सके और उला पता रही कि पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकते। यही पतरस ला छोटी से लड़की हा पूछिस ते तो यीशु के साथ रहे वो हा साफ साफ इनकार कर दिस यहाँ डर पोक रही बच्चा ला कौन हा डर थी जी हा 14 साल के हवाय शादी शुदा आदमी साफ ला चंगा करे रही यीशु मसीहा पतरस हा मारा मारा घूमत रही मैं गलत आदमी देख लिया मैं काम याद हवाय आप मल्ला ये पतरस हा भोकाल बनावत रही मैं हा मर जाऊं तो मैं आज तहा भाग गिस डर के मारी सारा भोकाल उड़ गया हवा में प्रेस लॉर्ड पर यीशु मसीह लगुसा नहीं आई यीशु मसीह लो पता रही ये हा बिना पवित्र के भोकाल हवाय और मोला पता हवाय मैं हा काय कहत हूँ मोला पता हवाय कि मोर मुंह से काय ताकत हवाय मोला पता हवाय जब मैं हाँ बोलता हूँ बात बोलता हूँ तब हो जाते। हालेलुया मैं इंडिया का हेडक्वार्टर हूँ प्रेज़ द लॉर्ड वो मोर मुंह से निकल थी मैं हाँ भारत की पहली मछली हवा प्रेज़ द लॉर्ड ये दुनिया में बदलाव मोर मुंह से आती प्रेज़ द लॉर्ड मोला मालूम हवाय मैं कौन हूँ प्रेज द लॉर्ड काश आप मन ला पता लग जाती कि आप मन कौन हो रहे आप मन के खानदान में बदलाव कहां से आई आप मन के मुंह से आपकी बिल्डिंग में आपकी पति में बदलाव आप मन के मुंह से आई। ये जो बदलाव आप चाह रहे हो ये आप ही के अंदर से आएंगे ये बाहर से नहीं आने वाले क्योंकि पवित्र आत्मा काबर की पवित्र आत्मा तुर ऊपर उतर ही और परम प्रधान की आत्मा तुर पर छाया कर ही काश मैं हाँ ये पूरा अध्याय ला समझा पाते हूँ। हालेलुया चर्च में काय हवाय यानी कि आप मन में काय हवाय पवित्र के साथ पवित्र आत्मा के साथ ये पवित्र आत्मा के साथ हम लोग भगा ले कि संभव नहीं नया जोक सुनाओ ये पुराना हो गया तुम ही आता हमारे पास और किथा काबर आए हो मुला परेशान करे बर यीशु मसीह कि थे मुला तुहार मन की इतिहास पता हवाय और मैं हा कहा और मैं कह दू तो का हो जाही तू मन हा खुद ही भागत आता मुला परेशान करे बर तुहार मन के पूरा इतिहास और मैं कह दू तो का हो जाही। यीशु हा बोली खुद ही भागते हैं हमें परेशान करने क्यों आ गए तू मन हा खुद ही भागत आता तुमन कौन हो प्रेज़ द लॉर्ड तुहार मन के पूरे इतिहास पता हवे मोला मैं हम बदल गए हूँ सही बात हरे कि नहीं काबर की शैतान के ज्ञान हा अतेक हवे जो पहले रही से ओकर ज्ञान बढ़ीस और ओकर बुद्धि हा आधा हो पर हमार मन के हाँ सही समझ पाते कि हमन कते खतरनाक हो गए कतू डेंजरस तोर समझ ला बाहर है तोर समझ ले बाहर हवे या टू डेंजरस प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा तो तोर ऊपर ही
पवित्र आत्मा आप मन बोला पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ये ना तो बल से ना सामर्थ से केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हो ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस उठाइए अपने हाथों की जन भाषा में प्रार्थना लिंद्रा लाशा तेला बादी लबा ओके अगर आप मन है पहली बार आए हवा तो सब जन अच्छा जगह आए हवा ना आप मन के स्वागत करना चाहते हैं खड़े हो जावा अगर आप मन है पहली बार आए हो मोशन छोटे से प्रार्थना करो और जे मैं कहूँ आप मन है अपन मुंह से कहिया अपन आंख ला बंद कर लेवा ताकि आप मन के ध्यान एती ओती ना भटके हे प्यारे पिता मैं आपके पास आवा था यीशु मसीह के नाम में और मैं विश्वास करत हूँ यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के बेटा हरे कि ओ मोला बचाए खातिर क्रूस पर मरीस और परमेश्वर हौला तीसरा दिन मरे में से जिंदा करीस हमेशा के बर जिंदा करीस मैं आज यीशु ला बुलावत हूँ मोर जीवन मा मोर प्रभु होए बर मोर स्वामी होए बर धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु मैं बचाया गया हूँ आज से मैं परमेश्वर के संतान हराओ और मैं अपन अंदर परमेश्वर के जीवन ला ग्रहण करत हूँ यीशु के नाम में आमीन सब जन ताली बजा सकत हो धन्यवाद ये समय हवाए भेंट दे के दशवांश दे के अभी हमन के का चलत है चर्च के मिशन और उद्देश्य अभी हमन ओखर से बाहर नहीं गए हमन आप मन से कुछ भी कहे ओला करिहा एक तरीका हवाए जेकर से आप मन उपदेश ला पूरा कर सकत हो तो हमार डिटेल हा स्क्रीन पर हवाए क्वायर के स्वागत करबो प्रेज द लॉर्ड हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हे क्योंकि वो महान परमेश्वर है महिमा महिमा प्रभु तुझको महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान है महिमा महिमा प्रभु तुझको महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान है प्रभु तुझको महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान है महिमा महिमा प्रभु केवल तुझको महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान है हम सब हाथ उठा कर गाएंगे ला 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 La 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 la
धन्यवाद देथन परमेश्वर, ओ भेंट ला लाए बर अनुग्रह करे, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र करे, जैसे आप दे हो आपके सामर्थ एकर ऊपर काम करे, पवित्र आत्मा एकर बढ़त हा तेजी से आवत है, यीशु मसीह के नाम में बहुत बढ़त जात है। धन्यवाद करत हम पिता, और ये प्रार्थना ला यीशु मसीह के नाम में मांगत, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है, सबले बड़े अनाउंसमेंट हवे, हर सेल हा का करत है, 31 तारीख तक 6000 की पार्टनरशिप, वो का है, 10 लाख हमन वेबसाइट में बांटत हवन, मोर ईमान की पैसा ला अतिक बेकार बना दे कि पैसा ला भी शर्म आए, मतलब करोड़ों के नीचे मैं बोला हूँ तो कोई सूर्य होगा, बोले हाँ मैं करोड़ों लाख वाक ओहता ऐसा होना चाहिए कि शाम को दे दो का, अभी दे दो पास्टर, अभी करोगा UPI ट्रांसफर कब करना है बताओ ना, अभी के 1 घंटे में, जब कोई दिन करोड़ों बोला अब कुछ नया बोलिस पास्टर है, अच्छा 1 हफ्ता बाद फिर करोड़ों भी इसने, हाँ 1 करोड़ दे लो हमें ट्रांसफर, अब जिन दिन 10 करोड़ बोला होकर वो दिन कुछ नया बोली ये पास्टर, हाँ अब एला 1 हफ्ता लगी, इतके ही असंभव ला उतना असंभव बना देवा कि दुनिया हा कहे कि भैया मसीही हो जाऊं तेने हा बने हवा, ए हा होते सही जिंदगी, बोला हमन बहुत शक्तिशाली हवन, डर तो नहीं जहा, हाँ डर तो नहीं जहा, पवित्र आत्मा के साथ कोनो डर नहीं लगे, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा प्रार्थना करता हूँ आप मन के बच्चे मन पर, ये सुरक्षित है प्रभु, इन मन ला कोई सैतान नहीं छू सके, यीशु मसीह के नाम में ये बीज बोए बर धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जे बुद्धि जे ज्ञान जे विश्वास के आत्मा जे पवित्र आत्मा के समझ आप मुला दे हो ओखर भी समझ लावत है, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देवत हूँ प्रभु, धन्यवाद देवत हूँ, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगत हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर के प्रेम यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा बने रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा मोर जीवन में सदा निवास कर ही, और मैं सदा बर परमेश्वर के घर में निवास करूं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद, बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.